हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कैदी और कोकिला, जिसके कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। उससे पहले फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोयम शुरू करने से पहले चलिए माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक गांव में सन 1889 में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं को सीखा। वे सरल भाषा और जोशीली भावनाओं के हिंदी रचनाकार थे। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया और नई पीढ़ी से आह्वान किया कि वह गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आए। वे सच्चे देश प्रेमी थे और 1921-22 के असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए वो जेल भी गए थे। उनकी कविताओं में हमें देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति प्रेम का भी चित्रण मिलता है। हिम किरीटनी साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गंजे धरा उनकी प्रमुख कविताओं में से एक है। अपने जीवन काल में उन्होंने अध्यापन एवं संपादन दोनों का कार्य किया। उन्हें देव पुरस्कार, पद्मा भूषण एवं साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो कवि ने कैदी और कोकिला कविता को उस समय लिखी थी जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वो इस बात से अवगत हुए कि जेल जाने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। तो उन्हें जेल जाने के बाद ये सब पता चला कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था जेल में। इसी सोच को उस समय समस्त जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। अपनी इस कविता में कवि ने जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। कविता में कवि हमें उस समय जेल में मिल रही यातनाओं के बारे में बता रहे हैं। कवि कैदी के अनुसार जहां पर चोर डाकुओं को रखा जाता है, वहां उन्हें यानी स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था। उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं नसीब होता था, ना वो रो सकते थे ना ही चैन की नींद सो सकते थे। जेल में उन्हें बेड़ियां और हटकड़ियां पहनकर रहना पड़ता था। वहां उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता था और ना ही चैन से मरने दिया जाता था। और हटकड़ियां में कभी चाहना पड़ता था कि यह कोयल समस्त देशवासियों को जीने दिया जाता था, पूरे देशवासियों को मरने दिया जाता था सुनाए। तो आइए चलिए कैदी और कोकिला का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है कोकिल बोलो तो। तो इन पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। रात के घोर अंधकार में जेल के ऊपर जब वह एक कोयल को गाते हुए सुनते हैं तो उनके मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोयल उनके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। उनसे इन प्रश्नों का बोझ सहा नहीं जाता और वह एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगते हैं। वह सबसे पहले कोयल से पूछते हैं कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। वो कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, जरा बताओ तो क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते क्यों तुम चुप हो जा रही हो, और यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है, जरा मुझे इसके बारे में बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरप रह जाना, जीवन पर अब दिन रात करा पहरा है,
शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मैं जगी क्यों आली। तो इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार और उनके काले कारनामों को जनता के सामने लाने की कोशिश की है। पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार और उनके रोजाना जीवन का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उसका कोई मान सम्मान नहीं है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तरपा तरपा कर जिंदा रखा जाता है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा होता है। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है? क्या तू कोई संदेशा लेकर आई है? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। तो इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के आवाज में अपने कष्ट को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी कष्ट की तरफ इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि के बजाय कष्ट का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूँक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, यानी कि अपना कष्ट सुनाना चाहती है। इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है, कोयल बोलो तो, तुम्हारा क्या लूट गया है जो तुम्हारे कंठ से कष्ट की ऐसी हूँक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज के लिए पॉपुलर है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य खुश हो जाता है, लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज ना तो सुरीली लगी और ना ही मीठी लगी, बल्कि उसे कोयल की आवाज में दुख और कष्ट की अनुभूति हुई। इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावनल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। स्वतंत्रता सेनानी को, यानी कि यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी जो है वो लेखक है, तो स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना, यानी कि चीखना, बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इसी वजह से उसने कोयल को बावली यानी कि पागल कहते हुए पूछा है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है? यहाँ पर कवि ने जंगल के आग के रूप में अंग्रेज सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार की हैवानियत देख ली है, इसलिए वह चीख चीख कर ये बात सबको बता रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हटकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हों का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींच का लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब धा रही आली। कवि को यह लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर यूं चीख पड़ी है, इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए देख नहीं सकती हो,
अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है, अब तो कोलहू चलाने की आवाज़ भी हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। कोलहू यानी कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि तेल को पीसने के लिए बैल को बांधा जाता था कोलहू से, और वो चलते थे तो तेल जो है वो पीसता था। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज सरकार जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों से ये काम करवा रही है। फिर आगे कैदी कहता है यानी कि कवि कहते हैं कि दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात हम इतनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ ज़रूर कम हो जाएगी। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। सांत्वना यानी कि सहारा। परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर में यानी कि कष्ट भरी आवाज़ को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा ही व्याकुल हो गया हूँ, ऐसा कवि कोकिल को कहते हैं। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो आगे कवि कोयल से कहता है कि इस आधी रात में तुम अंधेरे में चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो? कोयल बोलो तो क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? यानी तुम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हमें भड़काना चाहती हो? इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वो अंग्रेजों से लड़े और उनसे मुक्ति पा सके। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुकती की ब्याली, तिस पर हे गाली ए आली। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन काल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानी के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू खुद काली है, ये रात भी घोर काली है, और इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं, और जेल की काली चारदीवारी में चलने वाली हवा भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है, और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी है वह भी काली है, और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की तरह हमें डसने को दौड़ती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोयल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? कोकिल बोलो तो इन पंक्तियों में कवि यह समझ नहीं पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडरा कर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है? इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाली गीत गा रही हो? क्योंकि अगर कोयल ऐसे गीत गाएगी
तो अंग्रेज लोग ऐसा सुन लेंगे उसे और ऐसा सुनकर वो उसे मार देंगे। तो इसलिए वो कैदी कोयल से पूछ रहा है कि तुम ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर आज़ादी की गीत क्यों गा रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोने भी है मुझे गुनाह, देख बिस्मता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो इन पंक्तियों में कवि ने एक स्वतंत्र कोयल और एक बंदी कैदी की बहुत ही अच्छी तरह से तुलना की है। जहाँ एक ओर कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है, यानी कि कहीं पर भी उड़कर जा सकती है और अपने मन चाहे गीत गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरा 10 फुट की जेल की चार दीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है और वह वहां अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। इस मुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। तो इन पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है, जहां वो देशवासियों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उनमें जोश भर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहां कोयल की आवाज को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झांक दूं? मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर सकता हूँ, क्रांति यानी आज़ादी, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। तो ये था हमारा कैदी और कोकिला का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ यारो, तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के बटन को दबाते जाओ। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर देना मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।